गागवान सेवा समिति के तत्वधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गागवान सेवा समिति के तत्वधान में 2 और 3 सितंबर को होने वाली कबड्डी को लेकर रूपरेखा बनाई गई। इसमें पूर्व अध्यक्ष अशोक सागवान द्वारा और कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया, अब की नए अध्यक्ष उदय सागवान को बनाया जाए, जिससे होने वाली इस कबड्डी में कुछ नया देखने को मिले। सभी पदाधिकारियों की सहमति से उदय सागवान को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उनको दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। कमेटी के संयोजक सतवीर सागवान ने बताया कि इस आयोजन में लगभग 30 से ज्यादा टीम कबड्डी के लिए हर राज्य से आती है, इसमें कुछ टीमों में प्रो कबड्डी के खिलाड़ी भी आते हैं। इसके साथ साथ महिला टीम भी इस आयोजन में शामिल होती है। पुरुष कबड्डी को फर्स्ट इनाम 41,000 और सेकंड को 31,000 दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के लिए फर्स्ट इनाम 31,000 और सेकंड इनाम 21,000 दिया जाएगा। ये कबड्डी 11 साल से लगातार चल रही है, अब की बार इसको बड़े अच्छे ढंग से किया जाएगा, जिससे आने वाले खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पूर्व अध्यक्ष अशोक सांगवान के निवास स्थान पर जो अभी बैठक हुई है गांगवान सेवा समिति की, ये 12वीं बैठक है और ये जो गांगवान सेवा समिति द्वारा कोसी प्रो कबड्डी लीग 12वीं इस बार हो रही है और इसको किस तरह भव्य रूप दिया जा सकता है, इसलिए यहाँ एक बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब की बार हमारे उदय सांगवान इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि 41,000 रुपये उस कबड्डी के लिए फर्स्ट इनाम और सेकंड इनाम 31,000 रुपये वो दिया जाएगा। साथ में लड़कियों के लिए 31,000 रुपये और सेकंड इनाम 21,000 रुपये। कितनी टीम में भाग ले रही है? लगभग हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये सब मिलाया के लगभग पिछली बार जो थी 32 टीमें थी लड़कों की और 8 टीमें थी लड़कियों की। इस बार उससे ज़्यादा की उम्मीद है और प्रो कबड्डी खिलाड़ी इसमें आते हैं बार बार। हमें उम्मीद है पहले से भव्यता लाने के लिए, इस कार्यक्रम भव्यता लाने के लिए तो इसमें और जो भी संशोधन होंगे वर्तमान में, हाँ इसमें एक चांदी की सील जो लगातार 2 बार जो टीम जीतेगी उसको चांदी की सील है एक लोग की जो अपने पीसी जैन समाज सेवी हैं पीसी जैन द्वारा प्रदान की गई है। साथ में 3100 रुपया मैन ऑफ द सीरीज लड़कों के लिए और 2100 रुपया लड़कियों के लिए मैन ऑफ द सीरीज इसमें प्रोग्राम किया गया है कबड्डी के। और जो भी इसमें जैसे वाटरप्रूफ टेंट है, बरसात को देखते हुए अगर बरसात ऐसी आती है तो उसके लिए वाटरप्रूफ टेंट होगा और हर बार मैट पे ही कबड्डी होती है तो मैट पे ही इस बार भी मैट पे ही कबड्डी होगी और स्थान रहेगा रामलीला ग्राउंड। क्या ये हमारी गांगवान मोहल्ला की कबड्डी टीम थी, आज ये बारहवीं कबड्डी है और ये 2 सितंबर 3 सितंबर की है। ये पहले जो 2 सितंबर में लड़कियों की है और 3 सितंबर में लड़कों की, तो इसमें हमने इनाम सब आपको थोड़ा बढ़ा के दिया है। 31 वो सेकंड है, फर्स्ट उसकी 41,000 है और लड़कियों के लिए 31,000 फर्स्ट और 21,000 सेकंड है।